जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग RPF और किसी अदर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोग के हेल्प के लिए मैं सिलेक्टेड प्रश्न लाया हूं जो GK का है, GK एंड GS। तो आप लोग ध्यान से मन से पढ़िए। मैं संभावित प्रश्न लाया हूं जो आने वाला एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और ये सब मैं जितने भी प्रश्न लाया हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, RPF का वैकेंसी आएगा तो ये सब में ही से क्वेश्चन लड़ेगा, ये 100% मान के चलिए। मैंने अपने अनुभव से ये सब प्रश्न निकाला है, ये लुसेंट और स्पीडी और क्रॉन, ये सब बुक में ये सब क्वेश्चन मिलेगा, तो उसे में से मैंने सिलेक्टेड प्रश्न निकाला है और आप लोग के बीच में लाने का प्रयास किया है। अगर ये सीरीज अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये सर ये सीरीज को आगे चलने दीजिए, तो मैं मोटिवेट भी होऊंगा और नेक्स्ट वीडियो लाने का प्रयास भी करूंगा। तो चलिए मैं आज का पहला प्रश्न पढ़ता हूँ। तो देख सकते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आप लोग को कितना आप लोग मारते हैं सही वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ऐसे 2-4 सेकंड के बाद मैं खुद ही आंसर दे दूँगा। आप लोग भी सेट के रूप में इसको लेके चलिए। आज पहला है, पहला दिन 20 क्वेश्चन का लाया है, और आगे आप लोग का डिमांड ज़्यादा रहेगा तो मैं ज़्यादा लाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ता हूँ, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आप लोग को पता हो गया होगा 22 मार्च। नेक्स्ट, नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है, नामेरी टाइगर रिजर्व असम में पड़ता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस विटामिन को जल में घोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो विटामिन बी एंड सी को जल में घोल सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन में 2 में ओनली सी है तो सी ही मारेंगे, इसलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय काल में शुरू हुआ था, तो ये तृतीय 5-ईयर प्लान में चालू हुआ था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, तो ऑप्शन 4 को इसमें दिया गया है तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट, औरंगजेब ने दूसरा राज्याभिषेक कब करवाया था, तो आप लोग का पता है कि औरंगजेब ऐसा मुगल राज का राजा था कि ये 2 बार राज्याभिषेक हुए थे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1659। नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरिया अमर स्थल कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन 1, B, C, D, तो इसमें जितने भी ग्रेट लग गया तो आप लोग बेहिचक ऑस्ट्रेलिया जिसमें ऑप्शन रहेगा वहीं मारिएगा, ग्रेट जिसमें भी लगा हुआ है अधिकतर में तो ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था, तो भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुआ था, तो ऑप्शन में ओनली ईस्वी है तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1853। नेक्स्ट, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो ऑप्शन 4 दिया है इसमें तो आप लोग मार सकते हैं, उम्मीद है आप लोग लगा दिए होंगे। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो अमिस प्रिंट हो गया यहाँ पे, तो ताप्ती को ही यहाँ पे ताप्ती पॉप लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, खाने वाला सोडे का रासायनिक नाम क्या है,
खाने वाला सोडे का रासायनिक नाम NaHCO3 है, और धोवन सोडा का रासायनिक नाम Na2CO3 × 10H2O होता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप लोग को ही पता होगा, भूमानंदा सबसे छोटा है और विश्व का छोटा है, और माजुली सबसे बड़ा है विश्व का, तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा माजुली जो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, और 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और 23 जनवरी को मनाया जाता है जो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं चारों ऑप्शन का मैंने आंसर दे दिया है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग मार दिए होंगे इसका आंसर, तो यमुना है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला, किस अनुच्छेद में महानवादी का जिक्र किया गया है या तो जिक्र है? तो आर्टिकल 52 में एक भारत का राष्ट्रपति होगा वो कहा गया है, आर्टिकल 63 में भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा वो कहा गया है, और आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल कहा गया है। तो आप लोग इसका आंसर सी लगा लिए होंगे। और 79 में संसद की व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, स्ट्रगल इंडिया का लेखक कौन है? तो स्ट्रगल इंडिया का लेखक सुभाष चंद्र बोस जी है। नेक्स्ट, अटल टनल की लंबाई कितना है? तो अटल टनल की लंबाई ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 9.02 किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश से लेह लद्दाख जाता है। नेक्स्ट, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, सोन हो गया, नर्मदा हो गया, और ताप्ती, ये सब का उद्गम स्थल सोन नदी अमरकंटक है, तो सोन, नर्मदा, ताप्ती का उद्गम स्थल अमरकंटक हो जाएगा। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य था? तो आप लोग पता है मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, और 10 जो जोड़ा गया था 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब, और 11वां जो जोड़ा गया था 2002 को, जो आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, इस सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन में श्रावस्ती, सारनाथ, लुम्बिनी और बोधगया। तो आप लोग का ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने सिलेक्टेड प्रश्न लाने का कोशिश कर रहा हूँ, और वही क्वेश्चन मैंने लाऊंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास जल्द पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।